अक्सर मैं अपने YouTube वीडियोस में आपसे वैदिक वास्तु शास्त्र की बातें करती हूँ और अपने आज के वीडियो में भी मैं आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को शेयर करने वाली हूँ। वैदिक वास्तु शास्त्र जो है ये एक बहुत ही प्राचीन शास्त्र है और वास्तु शास्त्र का वर्णन वेदों में भी किया गया है और वास्तु शास्त्र के बहुत सारे स्क्रिप्चर जो हैं उनकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस भी अवेलेबल हैं। हालांकि इस शास्त्र की जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए उतनी तो नहीं है, क्योंकि मुगल्स एंड इंग्लिश के इन्वेजन के बाद बहुत सारे जो हमारे शास्त्र हैं वो कहीं लॉस्ट हो गए और उनके प्रिंसिपल्स को हमने अप्लाई करना छोड़ दिया। लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वैदिक वास्तु शास्त्र को जानने में और समझने में रुचि रखते हैं। उन्हीं सब लोगों के लिए जो है वो मैं वैदिक वास्तु शास्त्र की नॉलेज समय समय पर लेकर आती हूँ और उन्हीं के लिए मैंने खोला है अपना वैदिक वास्तु हब, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक कम्युनिटी है जिसमें कि जो लोग ये जानना चाहते हैं कि वैदिक वास्तु शास्त्र को हम आज के मॉडर्न समय में कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने खुद के घर में, उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है ये सही जगह है। नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर वैशाली गुप्ता एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द वैदिक वास्तु हब। आज के समय में वास्तु शास्त्र के सामने वैदिक लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि जो वास्तु शास्त्र का वैदिक एंगल है उसके ऊपर जो दृष्टि है, जो एम्फेसिस है, जो फोकस है, वो आजकल थोड़ा कम हो गया है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो कंट्री की धरोहर है, जो वैदिक वास्तु शास्त्र की नॉलेज है, ये इनफैक्ट इतनी सिंपल और इतनी इफ़ेक्टिव नॉलेज है कि मुझे लगता है कि योगा, प्राणायाम, आयुर्वेद की तरह ये भी घर घर तक पहुँचनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि वैदिक वास्तुशास्त्र जो है उसमें हमेशा ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स को, यानी कि कैलकुलेशंस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी एंड सारी चीज़ें जो है वो एक कैलकुलेटेड वे में होती थी, क्योंकि जब कोई चीज़ कैलकुलेटेड ज्योमेट्री से बनती है तो उसके अंदर रिदम क्रिएट होती है। आप सोचिए, जब आपका एक स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, कोई भी स्ट्रक्चर हमारी कंट्री में हो, चाहे हवा महल हो, चाहे ताजमहल हो या कोई भी मंदिर हो, जब वो प्रोपोर्शन के हिसाब से बनते हैं, साइज़ के हिसाब से बनते हैं, तो एक अलग ही पॉजिटिव और रिदमिक एनर्जी उनमें क्रिएट होती है और इसीलिए जब हम उनके अंदर जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। और हमारे शास्त्रों के पास ये नॉलेज बहुत पहले से थी और आप जान करके अचंभित होंगे कि पहले जो मंदिर निर्माण किए जाते थे उनमें मोर्टर का इस्तेमाल भी नहीं होता था, वो इस हिसाब से, इस साइज़ के जो हैं वो ज्योमेट्रिकल स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, जिनको कि एक के ऊपर एक ऐसे लगाया जाता था कि वो अपने आप ही सेल्फ सस्टेन्ड रहते थे। इनफैक्ट जब तक लास्ट पत्थर नहीं लग जाता था तब तक वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता था, लेकिन जैसे ही वो लास्ट पत्थर लगता था वो पूरा स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाता था। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कैसी कंस्ट्रक्शन जो कि बिना मोर्टर के किए जाती थी और इतने बड़े बड़े टेम्पल्स क्रिएट हो जाते थे। वास्तुशास्त्र में, अगर हम वैदिक वास्तुशास्त्र की बात करें, तो आर्किटेक्ट जो है उसे स्थापति कहा जाता था और आर्किटेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। जो स्थापति थे इनके साथ एक तक्षक होते थे, सूत्रग्रही होते थे, साथ ही साथ इनके एक वर्धकी भी होते थे, यानी कि एक कारपेंटर, एक ड्राफ्ट्समैन और एक इंटीरियर डिज़ाइनर, जो कि हम आज की भाषा में जानते हैं। ये सब मिल करके अपनी टेक्निकल नॉलेज को यूज़ करके, एक दूसरे से शेयर करके एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते थे और एक दूसरे से एक्सपीरियंशियल लर्निंग जो होती है वो भी लेते थे। अब सेक्रेड ज्योमेट्री जो है इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस तो है ही, क्योंकि हमारे जो प्राचीन मंदिर हैं, चाहे वो नॉर्थ के हों या साउथ के हों, आपने देखा है वो कितने ज्योमेट्रिकल और कितने प्रिसाइज होते हैं। उसके अंदर के जो कॉरिडोर्स होते हैं या उसके अंदर जो खिड़कियों के डिज़ाइन होते हैं, आप देखेंगे कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, या फिर उसमें मैक्रोकॉज्म और माइक्रोकॉज्म का प्रिंसिपल होता है, यानी कि जो छोटा एक इमेज यूज़ किया जाता है, मोटिफ यूज़ किया जाता है, उसी प्रोपोर्शन में उसको एक बड़े वे में भी यूज़ किया जाता है, जिससे एक हारमोनी क्रिएट होती है, एक रिदम क्रिएट होती है और एक सेक्रेट फीलिंग हमारे अंदर आती है, पवित्र भाव हमारे अंदर आता है। तो अगर हम बात करें कि जो सेक्रेट ज्योमेट्री है इसे हम सेक्रेट या पवित्र क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नेचर से इंस्पायर्ड है। विश्व के जो आर्किटेक्ट हैं, विश्वकर्मा, उन्होंने जिस हिसाब से संसार को बनाया उसी हिसाब से हम अपने घर को बनाते हैं
और जो हमारे यंत्र हैं आप सब जानते हैं, श्री यंत्र है, कनकधारा यंत्र है, नवग्रह यंत्र है, अनेक तरह के जो यंत्र हैं ये भी सेक्रेट ज्योमेट्री पर ही बेस्ड हैं। अगर हम किसी भी सिंपल एक यंत्र की बात करें और किसी भी एनर्जी डायग्राम की बात करें तो आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक स्क्वायर होता है, उसमें एक रेक्टेंगल होता है, उसमें ट्रायंगुलर शेप होती है और उसमें सर्कुलर शेप होती है और ऑन द टॉप उसका जो एपेक्स है वो एक बिंदु होता है। तो क्या आप जानते हैं कि जो पांच तत्व हैं वास्तुशास्त्र के वो कहीं ना कहीं इन यंत्रों के अंदर समाये हुए होते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि इन यंत्रों का जो है वो पंच महाभूतों से कैसे कनेक्शन है और कैसे इन्हें लगा करके हम अपने घर के एनर्जीज को भी बैलेंस कर सकते हैं और अपने घर में सेक्रेट ज्योमेट्री को फॉलो करके अपने घर को भी एक यंत्र बना सकते हैं, एक ऐसा यंत्र जो कि माइक्रोकॉजम को मैक्रोकॉजम से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर आप किसी भी यंत्रों को देखें उसमें जो बेस की स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप होती है वो पृथ्वी तत्व को डिनोट करती है। स्क्वायर जो है वो एक बहुत ही स्टेबल शेप है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह एकदम, जिसे कह सकते हैं कि एकदम स्ट्रॉन्ग और स्टेबल और सेंटर्ड एक जो है स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल जो है वो डिनोट करते हैं पृथ्वी तत्व को। साथ ही आपने देखा होगा कि सर्कुलर शेप जो है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल या सर्कुलर शेप भी एक यंत्र में आपको देखने को मिलेगी और ये सर्कुलर शेप जो है ये एयर एलिमेंट को डिनोट करती है। अगर हम बात करें ऑक्टागनल की या फिर ट्रायंगुलर शेप की तो ये अग्नि तत्व को डिनोट करती है और जो टॉप में उसका बिंदु होता है वो ब्रह्म बिंदु या कह सकते हैं एक तरीके से हमारे घर के ब्रह्म स्थान को डिनोट करता है। आप देखेंगे ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको एक श्रीयंत्र में मिलेंगे और जब उस श्रीयंत्र को आप एक्सट्रूड करके 3D फॉर्म में ले आते हैं तो वो एक मेरु यंत्र बन जाता है और वो एक पिरामिडिकल मेरु शेप में और पावरफुल वे में काम करने लगता है। तो ये हमने बात करी कुछ यंत्रों की और मैंने आपको बताया कि कैसे सेक्रेट ज्योमेट्री को अप्लाई करके आप अपने घर को भी एक यंत्र बना सकते हैं। ये जो यंत्र होते हैं अगर हम इनके एनर्जी को अंडरस्टैंड करें तो जब तक इनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती ये अपने पर्पस को सर्व नहीं कर पाते, लेकिन जैसे ही मंत्रों के द्वारा यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और वो सेक्रेट ज्योमेट्री जो है उसके अंदर अगर हम एक तरीके से प्राण डाल देते हैं तो वो अपनी इनर्शिया को, अपने इनर्ट यानी कि अपनी जड़ता की स्थिति को छोड़ देता है और उस पर्पस में काम करने के लिए लग जाता है जिसके लिए आपने उस यंत्र को लगाया है। अगर आपने श्री यंत्र जो है वो धन लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए लगाया है या यश और वैभव प्राप्त करने के लिए लगाया है, जब तक आप उसको अभिमंत्रित नहीं करेंगे, उसकी सेक्रेट ज्योमेट्री को एक्टिवेट नहीं करेंगे, तब तक वो यंत्र अपना पर्पस जो है उसको सिद्ध नहीं कर पाता। और इसीलिए वैदिक वास्तु शास्त्र में यंत्र, मंत्र और तंत्र, तंत्र इन द सेंस टेक्नोलॉजी, इन तीनों चीज़ों को हम साथ में लेके चलते हैं। रिचुअल्स यानी कि अनुष्ठानों को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ की मंत्रों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे वो यंत्र अपनी इनर्शिया के, अपने जड़ता की स्टेट से नहीं निकलेगा और वो पर्पस वो सर्व नहीं कर पाएगा जिसके लिए, जिसको प्राप्त करने के लिए आपने उसको संकल्पित करके लगाया है। सेक्रेट ज्योमेट्री का जो उदाहरण है वो हमारे टेम्पल्स यानी कि हमारे मंदिरों से ज़्यादा कहीं और हमें देखने को नहीं मिल सकते क्योंकि जो हमारे प्राचीन वास्तु के शास्त्र थे जैसे मायामतम, मानसार, समरमणा सूत्रधार, अपराजिता प्रेक्षा, उन सब में ये बताया गया था कि मंदिर निर्माण भी किस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सेक्रेट ज्योमेट्री जो है वो उनके अंदर मेंटेन्ड रहे, उस सेक्रेट ज्योमेट्री से हारमोनी क्रिएट हो, उस हारमोनी से जो है वो एक ऐसी एनर्जी क्रिएट हो जिससे कि एक ह्यूमन बीइंग की एनर्जी जब रेजोनेट करे तो वो उस मंदिर में बहुत ही पीसफुल और बहुत ही ब्लिस्ड आउट और बहुत ही सेंटर्ड महसूस करे। इनफैक्ट अगर हम 12 ज्योतिर्लिंगों की भी बात करें तो वो भी सेक्रेट ज्योमेट्री पर ही बेस्ड हैं। हम जब भी किसी ज्योतिर्लिंग को जो है दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हम जो ऊपर धरती के ऊपर का जो पार्ट देख पाते हैं वो केवल हम लिंग का पार्ट देख पाते हैं, लेकिन अगर हम उस पार्ट के बारे में जानें जो कि पृथ्वी के नीचे होता है और जो हमको दिखाई नहीं देता, जो लिंग के नीचे होता है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें एक स्क्वायर का बेस होता है, नीचे उसमें एक ऑक्टोगन होता है
और सर्कुलर शेप होती है और उसके ऊपर जो है वो लिंगम स्थापित किया जाता है और वो लिंग का जो ऊपर का पार्ट है केवल वो हमको दिखाई देता है। तो और कहीं नहीं तो हमारे जो प्राचीन जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग हैं वो भी सेक्रेट ज्योमेट्री पर बेस्ड हैं और उसमें भी स्क्वायर की शेप, ऑक्टगन की शेप, सर्कल की शेप एक एक्सट्रूडेड फॉर्म में, एक लिंग फॉर्म में जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो आप समझ सकते हैं कि जो सेक्रेट ज्योमेट्री है वो हमारे हिंदू टेम्पल्स में कितना इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। और आपको जानकर हैरत होगी कि इन टेम्पल्स में एक एक एलिमेंट को, एक एक फीचर को इतना केयरफुली चूज किया जाता है, इतना केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है जिससे कि उसको डालने के बाद मंदिर के डिज़ाइन में वो एक स्पिरिचुअली चार्ज्ड स्पेस को क्रिएट करे। यानी कि सेक्रेट ज्योमेट्री को ध्यान में रखते हुए, प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखते हुए, साइजेस को ध्यान में रखते हुए इन टेम्पल्स में एक एक एलिमेंट चूज हुआ है जिससे कि जब आप उस स्पेस में जाएं तो आप स्पिरिचुअली चार्ज हो जाएं। और यहाँ पे मैं आपको एक खास एग्जांपल देना चाहूँगी जो असम में देवी कामाख्या का जो बहुत प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है, वो मंदिर भी जो है वो एक बिल्कुल एक बहुत ही एप्ट एग्जाम्पल है सेक्रेट ज्योमेट्री का। और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये पूरा का पूरा जो टेम्पल है कामाख्या देवी टेम्पल, ये इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि इसका बहुत सारा जो डिज़ाइन है वो श्री यंत्र से इंस्पायर्ड है। यानी कि जो श्री यंत्र की सेक्रेट ज्योमेट्री है उसको बेस लेते हुए कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया है। और जो श्री यंत्र के बारे में जानते हैं वो इस एकदम डायरेक्ट कंपैरिजन को वहाँ पे ड्रॉ आउट कर सकते हैं। श्री यंत्र जो होता है, अगर हम श्री यंत्र की बात करें तो श्री यंत्र बेसिकली जो है वो कॉन्सेंट्रिक ट्राइंगल से बनता है और ट्राइंगल्स जो होते हैं वो देवी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये श्री यंत्र जो है एक बहुत ही पोटेंट एनर्जी डायग्राम होता है। और जब इस श्री यंत्र को, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, हम एनर्जाइज कर देते हैं, अभिमंत्रित कर देते हैं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो ये डायरेक्टली जो जीवात्मा है उसको परमात्मा से कनेक्ट करने की ताकत रखता है। और इसके पीछे का कारण है सेक्रेट ज्योमेट्री। तो जब हमारे मंदिरों में सेक्रेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके हम जो है कितना स्पिरिचुअली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सकते हैं, तो भवन निर्माण शास्त्र में भी हम जो है वो कुछ टेक्निक्स और फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए अपने घर को एक बहुत ही स्पिरिचुअली एंड ऑफ कोर्स इन वर्ल्डली टर्म्स आल्सो एक अलाइव और एक बहुत ही पॉजिटिव स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारे शास्त्र हैं उनमें आयादि षडवर्गा, आयादि फॉर्मूलाज का भी वर्णन किया गया है, उसमें सेक्रेट ज्योमेट्री का भी वर्णन किया गया है, स्थापत्य वेद में रेजोनेंस और रिदम की भी बात करी है कि कैसे हम सेक्रेट ज्योमेट्री को यूज़ करके अपने स्ट्रक्चर को एक बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही एक मंडलाकार ऊर्जा का एक स्रोत बना सकते हैं। तो आज के मैंने अपने इस वीडियो में आपको बताया कि कैसे सेक्रेट ज्योमेट्री को यूज़ करते हुए, कैसे जो है वो यंत्रों को यूज़ करते हुए या अपने घर में प्रोपोर्शंस, रिदम और हारमोनी को अप्लाई करते हुए कैसे हम अपने घर को एक पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि नेचर की एनर्जीज को वेलकम करता है और उनको ब्लॉक नहीं करता। और उस घर को एक यंत्र मानते हुए हम जो है अपने लाइफ में वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, बी इट फिनेंशियल, बी इट मटीरियल, बी इट वर्ल्डली, बी इट स्पिरिचुअल, बी इट इमोशनल, वो सारी वेलबींग हम अचीव कर सकते हैं जो कि हम इस जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। तो मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और वो अपने कोर से वैदिक वास्तु शास्त्र के साथ रेजोनेट करते हैं। और जैसा मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है, मेरा एज अ वैदिक वास्तु शास्त्री यही एक मोटिव या यही एक एम रहता है कि एंशियंट और मॉडर्न को मैं कैसे अमेलगमेट करके आज का जो वास्तु है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ। क्योंकि एंशियंट नॉलेज जो है वो शास्त्रों की नॉलेज जो है वो जब तक आज की मॉडर्न डे लिविंग में अमेलगमेट होकर, अप्लाई होकर के रिजल्ट शो नहीं करती, तब तक एक वैदिक वास्तु शास्त्री का जो काम है वो पूरा नहीं होता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने स्वयं के घर का जो वास्तु है वो आप खुद करें, वैदिक प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करें, कैसे आप अपने घर को परम सैया का मंडल के हिसाब से विभाजित कर सकते हैं, कैसे पद विन्यास कर सकते हैं,
देवताओं को समझना चाहते हैं, ऊर्जाओं को समझना चाहते हैं, तो मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में ये सारी चीज़ें अपने वैदिक वास्तु हब जो कि मेरा ऑनलाइन कम्युनिटी है उसमें कोर्सेज के माध्यम से देने की कोशिश करी है कि एक सिंपल पर्सन, एक लेमैन जिसको कि वास्तुशास्त्र की कोई प्रायर नॉलेज नहीं है, वो भी वैदिक वास्तुशास्त्र को समझते हुए अपने घर में उसको अप्लाई कर सकते हैं या वैदिक वास्तुशास्त्र के प्रैक्टिशनर भी बन सकते हैं। तो आप भी अगर उन्हीं लोगों में से हैं तो आप मेरे वैदिक वास्तु हब को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं और ब्रॉन्ज मेंबरशिप को ले सकते हैं और इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड यू विल कीप योरसेल्फ कनेक्टेड विद दिस चैनल। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे जिससे कोई भी इस तरह का वीडियो आए तो आप सबसे पहले नोटिफाइड हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड हैव अ नाइस डे।